चुनाव 2024 के स्वतंत्र और निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु समस्तीपुर जिला की पुलिस, समस्तीपुर जिला के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में तैयारी कर रही है और लगातार अपने कार्यों का निष्पादन कर रही है कि चुनाव शांतिपूर्ण हो। इसके तहत समस्तीपुर पुलिस निम्न तैयारियां की अभी तक कर चुकी है, जिसमें जो पूर्व के बल की तैनाती थी उससे अधिक मात्रा में सीपीएमएफ की मांग की गई है और उसको मिलने की पूरी संभावना है। लोकसभा चुनाव में के अवसर पर जो चुनाव सेल है उसको गठित कर लिया गया है और ये कार्यरत है। शैडो एरिया का जो क्षेत्र है उसका भौतिक रूप से सत्यापन भी किया गया है और उस पर काम किया जा रहा है। सभी जोन सेक्टर जो वितरित होने वाले थे वो सभी को वितरण कर लिया गया है और उस पर भी काम चल रहा है। जिला में जो शस्त्र लाइसेंसधारी हैं सारे शस्त्र का भौतिक रूप से सत्यापन कर लिया गया है और भौतिक रूप से शस्त्र सत्यापन में टोटल 482 शस्त्र या तो थाना में या लाइसेंसी दुकान में जमा हो हैं। उस लाइसेंसी शस्त्र में से 11 आर्म्स को रद्द किया गया है और एक शस्त्र दुकान है जो समस्तीपुर जिला में फंक्शन कर रहा है उसका भी सत्यापन किया गया है और उसके अंदर जो जमा शस्त्र है उसका भी सत्यापन कर करके प्रतिवेदन दिया गया है। 2023 से अब तक पुलिस द्वारा 90 शस्त्र अवैध अग्न्यास्त्र जो है अवैध अग्न्यास्त्र 90 जो है बरामद किया गया है और 156 गोली बरामद की गई है। ये जो बरामदगी है अवैध है जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के पास जमा बरामद किया गया और उनको जेल भेजा गया है। शराब के मामले में लगातार और नशा कारोबार से जुड़े हुए पर लगातार पुलिस प्रहार कर रही है और इस प्रक्रिया के तहत 4053 शराब माफियाओं को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से देसी शराब और विदेशी शराब की भी बरामदगी हुई है काफी मात्रा में, उसका निष्पादन भी किया गया है। साथ ही जो हॉट स्पॉट है जहां पर देसी शराब का निर्माण होता है वहां लगातार छापामारी चल रही है और उसकी बरामदगी भी हो रही है। शराब के मामले में और अब तक जो है 2023 के जनवरी से लेकर 24 तक शराब के मामले में कुल 21 शराब माफियाओं को सजा दिलाई गई है जो माननीय न्यायालय से इनको सजा हुई है। इसमें से 5 वर्ष की सजा में 16 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्ति हैं जो 10 वर्ष की सजा प्राप्त किए हैं और 3 शराब माफियाओं को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है। ये पुलिस के लिए एक बहुत अच्छा कार्य है और सराहनीय है। जितने जिला के हिस्ट्री सीटर कुख्यात और जो भगौड़े थे जिन पर पुरस्कार था उनको उनके विरुद्ध पुरस्कार की घोषणा कर करके उसमें से 12 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार अब तक किया गया है अक्टूबर 2023 से। गैर जमानती वारंटों का भी निष्पादन त्वरित रूप से हो रहा है। अभी तक 978 अजमानती वारंट का निष्पादन जनवरी से अब तक किया गया है और सीपीएमएफ की फोर्स की तैनाती यहां पर जिला में 2 कंपनी आई है, उसके साथ जिला पुलिस और सीपीएमएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत लगातार छापामारी चल रही है, फ्लैग मार्च भी चल रहा है और एरिया डोमिनेशन भी की कार्रवाई भी हो रही है। जिला स्तरीय जो सीमावर्ती
जिला हैं दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, वैशाली, इनके के साथ हम लोग समन्वय बैठक भी कर लिए हैं। और इस जिला के अपराधकर्मी जो उस जिला में हैं और उस जिला के जो अपराधकर्मी इस जिला में हैं उनकी सूची भी आदान प्रदान की गई है और उनके विरुद्ध लगातार छापामारी भी चल रही है। अब तक इस जिला में कुल 51 बॉर्डर को सीलिंग के लिए चिन्हित किया गया है और 79 इंट्रा स्टेट माने अंतर जिला के तहत स्पॉट चिन्हित किया गया है। 51 बॉर्डर सीलिंग को पॉइंट पर हम लोग अभी फंक्शन कर रहे हैं और कुछ ऐसा बॉर्डर सीलिंग है जिस पर जांच भी, सत्यापन भी और धरपकड़ के लिए वाहन का चेकिंग भी चालू हो गया है। संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं उनको भी चिन्हित किया गया है और जो वल्नरेबल बूथ है और उस जो कारक तत्व है उनको चिन्हित कर करके उस पर निरोधात्मक कार्रवाई तो की ही जा रही है। उस संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के इर्द गिर्द हम लोग लगातार एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम जो इस जिला में बनाए गए हैं 3 जगह उनका भी भौतिक रूप से सत्यापन कर लिया गया है और उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। जो सार्वजनिक स्थान है बस अड्डा, होटल, लॉज, बाजार, इन लोगों को चिन्हित कर करके बराबर इनको प्रतिदिन के आधार पर हम लोग जांच करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं ताकि कोई असामाजिक तत्व तो बाहर से आकर के यहाँ ठहरे नहीं और चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाए। अब तक आज तक चुनाव को लेकर के इस जिला में 107 की जो कार्रवाई की गई है वह 8,332 व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा चुकी है जिसमें से 4,513 व्यक्तियों को 116 क्लोज 3 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बॉन्ड डाउन किया जा चुका है। ये बहुत अच्छी पहल है इस समस्तीपुर जिला पुलिस की। इसके अलावा जो एसटी एसएसटी है उसका गठन कर करके इस पर कार्य चल रहा है। नाका चेस्ट पोस्ट को भी चिन्हित किया गया है और जो बॉर्डर सीलिंग जो नाका जो पोस्ट है वहां पर सीसीटीवी भी है इस बार हम लोग लगा करके उस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। साथ ही जिस क्षेत्र में बम या बम निष्क्रिय करने वाले बारूद सुरंगी निष्क्रिय करने वाले हम लोग का टेक्निकल सेल है बारूदी सुरंग करने वाले उसके लिए भी कर्मी हम लोग व्यवस्था किए हैं और उस पर भी काम चल रहा है। चूंकि ये समस्तीपुर जिला गंडक और बागमती नदी से के में है अतः इसमें जो हम लोग मोटर बोट 6 मोटर बोट और 2 सेक्शन माउंटेन पुलिस को भी यहाँ पर मंगाया गया है और उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। जो जेल में बंद कुख्यात अपराधकर्मी हैं जो पूरा संभावना है कि वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं ऐसे कुख्यात अपराधकर्मियों को चिन्हित कर जेल स्थानांतरण की भी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इस जिला में CCA 3 के तहत 215 व्यक्तियों को चिन्हित करके प्रस्ताव भेजा गया, 215 व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इनको जिला बदर, जिला से बाहर या जिला से जिला के अंदर दूसरे थाना में इनको हाजिरी लगाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। CCA 12 के तहत अभी तक 11 प्रस्ताव भेजे गए हैं जो जेल में बंद अपराधकर्मी हैं उनको जेल में डिटेन करने की व्यवस्था की गई है। अभी तक 12 CCA के तहत जो कार्रवाई की गई है। अब तक जो आदेश पारित है DM साहब के द्वारा उसमें से 64 व्यक्तियों को थानावार या जिला बदर किया जा चुका है। ये अभी तक की हम लोगों को लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी है और इस तैयारी को और हम लोग बृहत रूप से कार्य कर रहे हैं और कारगर काम कर रहे हैं ताकि आम जनता के बीच निर्भीक होकर के और निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंग से
चुनाव कराने की प्रवृत्ति आए और हम लोग इसमें अहम भूमिका अदा करें, क्योंकि लोकतंत्र के माध्यम से ही राष्ट्र का निर्माण होता है और बेहतर व्यवस्था हम लोग दे करके और आम आदमी को वो निर्भीक होकर के चुनाव करा सके, इसकी लगातार इसके लिए लगातार समस्तीपुर पुलिस कार्य कर रही है और कारगर काम कर रही है। धन्यवाद।